किसान भाइयों, यदि फसल को अच्छा चलाना है, अच्छा उत्पादन लेना है, तो उसके लिए हमें नर्सरी की तैयारी से ही एक एक बात का अच्छे से ध्यान रखना होगा और अच्छे तरीके से नर्सरी तैयार करनी होगी। यदि नर्सरी में पौधे अच्छे से तैयार होंगे, रोग मुक्त होंगे, तो इसके प्लांटेशन के बाद हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और आगे चलकर फल फूल अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर हमने शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार किया हुआ है, इस साइड में बैंगन की नर्सरी तैयार किया हुआ है। आज आपको हम बताएंगे कौन से तरीके से यहाँ पर नर्सरी तैयार की गई है और कितने अच्छे से ये जमाव आया हुआ है, इसका क्या राज है। तो किसान भाइयों, ये जो नर्सरी तैयार की गई है, ये मई के महीने में नर्सरी तैयार की गई है और 4 मई को नर्सरी डाली गई थी। आज की तारीख है 28 मई, तो टोटल यहाँ पर करीब 24 दिन के ये समय हुआ है और 24 दिन में आप देख सकते हैं एकदम प्लांटेशन के लिए बिल्कुल नर्सरी तैयार है। तो मई के महीने में भी आप देख सकते हैं कि 22 से 24 दिन के अंदर इतने अच्छे से नर्सरी तैयार हो गई है और यदि बरसात में आप यही नर्सरी तैयार करते हैं तो 20 से 22 दिन में आपकी नर्सरी इस तरीके से काफ़ी अच्छी तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि इस समय पर जब हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं उस समय पर धूप किस तरीके से खिल रही है, सूर्य उत्तरायण में है या दक्षिणायन में है। यदि सूर्य उत्तरायण में है तो इस समय पर दिन की अवधि लंबी होगी, तापमान अधिक होगा और सूर्य ज़्यादा समय तक यहाँ पर रहेगा और ये जो है गर्मी का समय होता है और इस समय वायुमंडल में जो नमी होती है ये कम होती है, मतलब कि ह्यूमिडिटी कम होती है, तो इस वजह से जो यहाँ से खेतों से नमी है ये तेज़ी से उड़ती है। तो इस समय पर हमें लेवा विधि का प्रयोग करना होता है और जिस समय पर सूर्य दक्षिणायन में होता है, मतलब कि ठंडी का जो समय होता है, तो उस समय पर मॉइस्चर नमी अधिक होती है, ह्यूमिडिटी अधिक होती है, तो यहाँ पर पानी ज़्यादा तेज़ी से नहीं उड़ता है, तो उस समय पर हम दूसरी विधियों का प्रयोग करते हैं। नर्सरी की तैयारी करते समय हमें यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर हम जो क्यारी बनाएंगे उसको थोड़ा ऊंचाई पर बनाएंगे ताकि यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पानी हो उसको हम बाहर निकाल सकें। नर्सरी की चौड़ाई हमें 3 से 3.5 फीट रखनी है, जिससे कि हमें दोनों साइड से हम जहाँ पर भी हाथ पहुँचाना चाहें, कोई भी क्रिया करना चाहें, घास फूस निकालना चाहें, तो वो सारा क्रिया हो जाए। लंबाई हम अपने हिसाब से ले सकते हैं और 10 ग्राम सीड के लिए 12 फीट की लंबाई और करीब 3 से 3.5 फीट की चौड़ाई के लिए हम इतनी लंबी क्यारी बनाते हैं। तो इसमें हमें गुड़ाई करके अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी है और नर्सरी तैयार करने से कुछ समय पहले ही, आप 3-4 दिन पहले या उससे और समय पहले, आप जो भी क्षेत्र में नर्सरी तैयार करना चाहते हैं वहाँ पर सड़ी हुई गोबर की खाद को भरपूर मात्रा में ऊपर मिक्स करके रखिए। किसान भाइयों, इस तरीके से यदि हम यहाँ पर गोबर की खाद को मिक्स करके रखते हैं तो मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी। यदि गोबर की खाद नहीं है तो आप नर्सरी तैयार करने से कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले आप यहाँ पर DAP का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से समतल क्यारी बनाने के बाद नर्सरी डालने से पहले आपको क्या करना है, पूरी क्यारी में अच्छे तरीके से पानी चला देना है। करीब 2 अंगुल 3 अंगुल ऊंचाई तक इसमें क्यारी में पानी भरा रहना चाहिए। पानी पूरा अच्छे तरीके से भर जाने के बाद करीब 1-2 घंटे के बाद जब पानी पूरा सूख जाता है उस समय पर हमें यहाँ पर सीड की बुआई करनी चाहिए। बुआई करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है, यदि हमने यहाँ पर सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग किया हुआ है तब तो हम यहाँ पर सीधी बुआई कर देंगे, लेकिन यदि हमने यहाँ पर सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग नहीं किया, DAP का प्रयोग किया हुआ है, तो पानी सूख जाने के बाद करीब 0.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में पूरी क्यारी में हमें भुरभुरी मिट्टी को ऊपर से फैला देना है। यदि यहाँ पर इस तरीके से हम भुरभुरी मिट्टी फैला देंगे, फिर उसके बाद जब हम इसमें सीड की बुआई करते हैं तो सीड का जो अंकुरण होता है ऊपर वाली जो परत मिट्टी की होती है, इसमें जो है उसके जड़ों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा और मैक्सिमम आपका जर्मिनेशन यहाँ पर निकल कर आएगा। तो ऊपर यहाँ पर हम जो मिट्टी डाल रहे हैं इसमें आप 50% बलुई मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं और 50% यही वाली जो मिट्टी खेत की होती है इसको भुरभुरी बनाने के बाद इस तरीके से आप बिछा सकते हैं। लेकिन यदि आपने गोबर की खाद डाला हुआ है तो सीधे आपको जब क्यारी से पानी सूख जाए तो उसके बाद आपको सीड की बुआई करना है, लेकिन सीड की बुआई करते समय या उससे थोड़ा पहले आपको इसमें क्यारी का उपचार भी करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, साफ नाम की जो फंगिसाइड आती है या फिर आप बाबास्टीन या मैनकोजेब इसमें से कोई एक भी ले सकते हैं, इसको आपको 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको 2 लीटर में, एक क्यारी के लिए 2 लीटर पानी में करीब 6 से 8 ग्राम बाबास्टीन आपको लेना है और उसको आपको स्प्रे वाली मशीन से पूरे मिट्टी में अच्छे तरीके से मिट्टी को भिगो देना है। इस तरीके से जब आप मिट्टी को भिगो देते हैं यहाँ पर जो भी फंगस है, जो भी बैक्टीरिया है, ये समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ आप 2 लीटर में आप 1 ml इमिडा क्लोरोपेड भी मिला सकते हैं। तो यहाँ से मिट्टी में जब इमिडा क्लोरोपेड भी मिला रहेगा तो जो शुरुआती के रस चूसक कीड़ों का अटैक होता है वो यहाँ पर नहीं होगा।
तो इस तरीके से स्प्रे करने के बाद आपको सीड की बुआई करनी है। सीड की बुआई 1 इंच से ज़्यादा दूरी पर करनी है, मतलब एक सीड आपने बुआई किया इस तरीके से डाला, दूसरा सीड आपको ऐसे रखना कि उसके बीच की दूरी कम से कम 1 इंच हो। इस तरीके से यदि आप बुआई करते हैं तो आगे चलकर जब जो आपका पौधा तैयार होगा वो काफ़ी मजबूत होगा, उसके आसपास पूरा जगह पर्याप्त जगह होगा, पौधों की अच्छी पत्तियों की ग्रोथ होगी। इसके बाद आपको क्या करना, बुआई के बाद आपको बुआई करनी है, शाम को करनी है। जब भी आप बुआई करेंगे शाम को करेंगे, तो बुआई के बाद आपको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। अब अगले दिन सुबह इसमें ऊपर से मिट्टी डालनी होगी, और इसके लिए हमें जो मिट्टी तैयार करनी है खेत की ही जो बारीक मिट्टी है इसको लेना है, और 2-3 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद 25% ले सकते हैं। यदि खेत की मिट्टी भारी है, बलुई मिट्टी बलुवट करके नहीं है, तो आप इसमें थोड़ी सी रेत भी मिला सकते हैं, करीब 20-25% रेत भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से तैयार हुई मिट्टी को ऊपर से हमें इस पर ऐसे छिड़क देना है कि इसके जो सीड इसमें बिजाई की गई है वो सीड ना दिखे, इसके ऊपर हल्की सी एक मिट्टी की परत बन जाए। तो इस तरीके से मिट्टी डालने के बाद हमें इसको तुरंत इसी के ऊपर से, या तो हम पुआल से, या फिर जूट वाली बोरी से, या फिर जो सरपत होते हैं उससे हमको इसको ढक देना, अच्छे से ढकना है, ऐसे ढकना है जिससे इसमें से नमी ना उड़े। तो इस तरीके से जब इसको ढक देते हैं तो आगे 5 से 6 दिन या 7 दिन के अंदर इसमें से जवान निकलना शुरू हो गया। तो 5वें दिन से हमें इसको देखना है, शाम के समय इसको देखना है कि इसमें से अंकुरण निकल रहा है या नहीं। यदि इसमें से करीब 40-50% का अंकुरण बाहर निकलने की तैयारी में है, तो उसी दिन शाम को हमें इसमें से जो पुआल है या जूट है इसको हमें ऊपर से हटा देना है। हमें हमेशा शाम को ही हटाना है। यदि हम भूल गए, उसको नहीं हमने हटाया, सुबह के समय थोड़ा अंकुरण निकल आया है, तो हमें इसको सुबह नहीं हटाना है, अगले दिन शाम को हटाना है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अंकुरण थोड़ा सा ही निकलना शुरू हो, पूरा बाहर ना आए, और 50% के लगभग निकल जाए तो इसको हमें यहाँ से हटा देना है। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, उसके बाद जमाव आगे बढ़ता है। किसान भाइयों, यदि आपने पहले बताए गए सभी तरीकों को अच्छे से अप्लाई किया हुआ है, तो आगे आपके नर्सरी में गलन वाली या ऐसी कोई समस्याएं नहीं आती हैं। बीच बीच में, क्योंकि जी ये जो गर्मी का समय होता है, इस समय पर वाइट फ्लाई और कीड़ों का अटैक होता है, तो आपको नीम का तेल या कोई जैविक कीटनाशक का आपको बीच बीच में स्प्रे करना है, और कभी कभी आप साफ फंगिसाइड का भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं। 1-2 बार आप फंगिसाइड का स्प्रे करिए, रस चूसक कीड़ों के लिए 1-2 बार आप नीम का स्प्रे करिए, नीम तेल का, या फिर और कोई ऐसे बायो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए, फिर आपका इसमें कोई और ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहले से ही आपने बाकी यहाँ पर कुछ केमिकल और जो फंगिसाइड का मिट्टी में उपचार किया हुआ, तो गलन की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन नर्सरी यहाँ पर तैयार हुई है, और ये शिमला मिर्च की नर्सरी है, बगल में बैंगन की नर्सरी है, ये भी पूरा एकदम प्लांटेशन के लिए बिल्कुल तैयार है, और 1-2 दिन में इसका प्लांटेशन भी हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस तरीके से यदि आप भी नर्सरी तैयार करते हैं, हमारा तरीका अपनाते हैं, तो बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी नर्सरी आप तैयार कर पाएंगे, और स्वस्थ और अच्छी नर्सरी तैयार होती है तो आगे की आपकी जो क्रियाएं हैं वो आसान हो जाएंगी, और पौधे का ग्रोथ अच्छे से होगा। तो किसान भाइयों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।